हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं दिवाकर मिश्रा। रात के लगभग 9:30 बजे हैं। मैं अपने बेडरूम में बैठा हुआ हूं और अचानक मुझे कहानी याद आ गई और न जाने क्यों मन हुआ कि मैं वो कहानी आप सब लोगों के साथ साझा करूं। ये कहानी बहुत पुरानी है और आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसको बहुत बार सुना होगा, पर कोई बात नहीं, एक बार आप मेरे से भी ये कहानी दोबारा सुन लीजिए। ये कहानी एक पिता पुत्र की है। एक बाप बेटे थे, उनको घर से दूर शायद अपने शहर में जाना था। गांव में रहते थे तो गांव से निकल के उनको शहर जाना था और वो शहर जाने के लिए तैयार हुई। उनके पास एक अपना गधा भी था, उस गधे को भी उन्होंने तैयार किया। बाप बेटे और गधा तीनों रास्ते में मस्ती के साथ चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब वो घर से निकले तो जैसे ही वो कुछ दूर आगे बढ़े तो बहुत सारे लोगों की नजर उनके ऊपर पड़ी और लोगों ने एक चीज कहना शुरू कर दिया उनकी तरफ देख के हंसते हुए कि यार क्या गजब के ये बाप बेटे हैं, इनके पास इतना बढ़िया गधा है और फिर भी ये पैदल पैदल यात्रा कर रहे हैं। अरे जब इनके पास गधा है तो इनको गधे की सवारी करना चाहिए और अपनी यात्रा को सुगम बनाना चाहिए। बात बाप बेटे को समझ में आई। उन्होंने कहा यार बात तो लोग बहुत सही कह रहे हैं और हम लोग को ऐसे ही करना चाहिए। दोनों बाप बेटे उस गधे के ऊपर बैठ गए। जैसे ही अभी थोड़ी दूर उन्होंने अपनी यात्रा करी होगी तो तभी वापस लोग मिले और उनकी तरफ बड़े आश्चर्य परी नगरों से देखने लगे और उन्होंने कहना शुरू कर दिया, अरे यार क्या कलयुग आ गया है। बेचारा ये बाप बेटे दोनों है ना, ये बेचारे गधे के ऊपर बैठे हुए हैं, क्या ये गधे की जान ले लेंगे। ये बात जब पिता पुत्र के कानों में पड़ी तो उन्होंने कहा यार बात तो सही कह रहे हैं, तो एक काम करते हैं, एक पैदल चलता है और दूसरा गधे के ऊपर बैठ जाता है। तो बेटा उधर गया, पिता गधे पर बैठे रहे। जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़े वापस फिर कुछ लोग उनको मिल गए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, बाप रे बाप क्या घोर कलयुग आ गई है, बेटा पैदल पैदल और बाप गधे पर, मतलब बाप को जरा भी दया नहीं है, बाप को जरा भी बच्चे के ऊपर ये नहीं है कि ये इसका जैसे लग रहा है सौतेला बाप है, मतलब जरा भी उसके ऊपर प्यार नहीं है, क्या ये सटिया गया है बुढ़ापे में, ये बैठे हुए जा रहा है उसके ऊपर। बाप को लगा शायद मुझसे कुछ गलती हो गई, वो गधे से नीचे उतर गया और उसने अपने बेटे को गधे के ऊपर सवारी करने के लिए बैठा दिया। जैसे ही थोड़ी दूर अभी वो आगे की तरफ बढ़े थे तो फिर से वापस कुछ लोग मिले और उन्होंने कहना शुरू कर दिया, अरे यार अब बताओ, बेचारा बूढ़ा बाप पैदल चले और जवान बेटा वो गधे की सवारी करे, मतलब ये क्या हो रहा है ना। लोगों ने तरह तरह की बात करना शुरू कर दिया। बेटे को भी अच्छा नहीं लगा, वो नीचे उतर गया और अब दोनों एक पेड़ के किनारे बैठ गए और दोनों सोचने लग गए कि यार जितनी भी चीजें हम कर सकते थे उतना तो हमने सबने कर लिया। अगर हम तीनों पैदल चल रहे थे, यानी कि हम दोनों बाप बेटे भी पैदल थे और गधा भी साथ में हमारे चल रहा था, तब भी लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला, तो यानी कि वो ठीक नहीं था। एक बार पिता भी गधे के ऊपर जो है बैठ गया, तब भी ठीक नहीं हुआ, तब भी लोगों ने कुछ ना कुछ बोला। बेटा भी बैठ गया, तब भी लोगों ने कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया। अब आखिर में विकल्प क्या है, अब किया क्या जा सकता है। तो बाप बेटे ने मंत्रा करके ये तय किया कि अब एक काम करते हैं, हमारे पास जो डंडा है, उनके पास एक लाठी थी, सो उन्होंने कहा कि अब एक काम करते हैं, गधे के दोनों पैर बांध करके और इस लाठी के ऊपर उसको जो है लाद लेते हैं, है ना, लटका लेते हैं। और उन्होंने यही किया, गधे के दोनों पैर उन्होंने बांध दिए और बीच में लाठी डाल दी और कंधे पे लेकर के चलना शुरू कर दिया। जब वो अभी जा रहे थे, गधा बेचारा छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है और बाकी सभी लोग जो सड़क पर जा रहे थे वो इनकी तरफ देख के अब हंसने लग गए जोर जोर से और उन्होंने कहा क्या बेवकूफ जो है ये बाप बेटे हैं, अरे इनके पास गधा है और गधे को ये अपने कंधे पर लाद के लेकर के चले जा रहे हैं, क्या जमाना आ गया है, क्या पागलपंथी है। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, देखिए ये दुनिया है, यहां पर हम कुछ भी करेंगे कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे और बहुत सारे लोग हमारा मजाक बनाएंगे, बहुत सारे लोग हमें तरह तरह की राय देंगे,
और हम ये राय किनकी मान रहे हैं? शायद आज जो हमारे आसपास लोग हैं वो हमें कुछ भी कैसा भी करता हुआ शायद वो उसे संतुष्ट नहीं हो सकते, वो उसको देख नहीं सकते। तो सबके अपने अलग अलग राय होंगे, सबके अपने अलग अलग सोचने के ढंग होंगे। अगर हम किसी अच्छे मिशन के ऊपर हैं और अगर हम ये जो बाकी लोग जो राय बहादुर लोग हमारे आसपास हैं अगर हम उनको सुनने लग जाएंगे तो एक दिन शायद वो दिन दूर नहीं जब हमारा भी हश्र उन्हीं बाप बेटे की तरीके से होगा कि जब हम भी शायद अपने गधे को उल्टा लटका करके अपने कंधे पर उसको ढो रहे होंगे जबकि हमारे पास ऑप्शन था कि हम उस गधे की सवारी कर सकते थे और अपनी यात्रा को सुगम बना सकते थे। सो आप दूसरों को सुनिए पर उतना ही सुनिए जितना जरूरी हो, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप किनको सुनने जा रहे हैं। शायद हमारे आसपास आज हम सब की यही हालात बन चुके हैं कि हम में से हर कोई अपने गधे को उल्टा करके और अपने कंधे पर लिए जा रहा है, क्योंकि आप जिनको हम सुनते हैं जिनकी वजह से हम शायद अपना रास्ता बदलने को तैयार हो जाते हैं, शायद अगर उनकी भी जिंदगी में हम झांक के देखें तो उनकी भी जिंदगी में हालात वही हैं कि वो भी दूसरों को सुन करके अपने गधे को उल्टा करके अपने कंधे पर लादे लिए चले जा रहे हैं। सो लिहाजा करिए वो जो आपका दिल कहे, अगर सुनना है तो अपने दिल की सुनिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो और लोगों को भी शेयर करिए। आप सभी अपने जिंदगी में बहुत तरक्की करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, लव यू ऑल।